हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे डेकिला और अनिकेत के रीसेंट ब्रेकअप के बारे में। उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को हमारी चैनल के नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, डेकिला अनिकेत के बीच ये पहली बार ब्रेकअप नहीं हुआ है। टेक्सटाइल के एपिसोड ब्रॉडकास्ट होने के बाद भी दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ था। सो सबसे पहले हम फर्स्ट ब्रेकअप के बारे में बात करेंगे। सो टेक्सटाइल वाला एपिसोड में जब डेकिला ने ये बताया कि अनिकेत ने उन्हें पास्ट में चीट किया था, तो उस एपिसोड के बाद अनिकेत को काफी ज्यादा हेट्स मिल रहा था और तब डेकिला अनिकेत के बीच पहली बार ब्रेकअप हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो तक भी कर दिया था। फिर डेकिला ने अनिकेत के सपोर्ट में अपने फैंस को ये रिक्वेस्ट किया कि अनिकेत के ऊपर हेट्स ना दिया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि अनिकेत को टारगेट या फिर ट्रोल किया जाए। वो अभी भी अनिकेत को केयर करते हैं, इसलिए वो अनिकेत को हर्ट करना नहीं चाहते हैं। ब्रेकअप के कुछ दिनों बाद अनिकेत ने आई मिस यू डी लिख के एक स्टोरी शेयर किया था और डेकिला ने भी आई मिस हिम एवरीवन लिख के ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था। और इसके कुछ दिनों बाद शायद दोनों में पैचअप हो गया और दोनों एक साथ लाइव में भी आए हुए थे। सो दिग्विजय ने भी अपने लाइव में ये बोला है, जब अनिकेत को इतना ज्यादा हेट्स मिल रहा था, उन्होंने अनिकेत को मैसेज किया था, बट अनिकेत ने उनका कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। सो ये तो था दोनों का पहला ब्रेकअप। अभी हम दोनों के रिसेंट ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं। तो लास्ट डोम सेशन में जब ये रिवील हुआ था कि अनिकेत रिलेशनशिप के दौरान डेकिला को फिजिकली अब्यूज करते थे, तब अगेन अनिकेत को काफी ज्यादा हेट्स मिलने लगे और डेकिला डोम में एंड इवन अपने ब्रॉडकास्ट पर भी अनिकेत को बचाने का ट्राई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बस दोनों के बीच धक्का मुक्की हुआ था। ये जो फिजिकली हर्ट वाला चीज आया है, ये मैंने एलिगेशन तो नहीं लगाया था, बट उन्होंने मतलब पूछा था मेरे को कि ऐसा मतलब कभी अग्रेशन प्रॉब्लम हुआ है ऐसा ऐसा। मैंने बोला हाँ, हम दोनों ही है और एक दिन मतलब धक्का मुक्की हो गया था, उतना ही है। इनफैक्ट अनिकेत खुद भी इस चीज को एक्सेप्ट किए हैं कि गुस्से में वो काफी गलतियां कर देते थे। और उस एपिसोड के बाद अनिकेत का मैसेज था, आई जस्ट वाना एपोलोजाइज टू ऑल माई इंस्टा फैमिली एंड भाई साहब फैमिली। ऑलमोस्ट एक साल डेकिला से बिना बात किए मुझे काफी चीजों का रियलाइज हुआ, बट नाउ थिंग्स आर डन एंड डस्टेड। डेकिला पहले से ही एक नोन फेस थी और मैं नहीं चाहता था कि उसे फेम के लिए लोग यूज करें, जिनका ऑलरेडी मेरे सिटी में बैड रेपुटेशन था। टॉक्सिक लोगों का हमारे अराउंड रहना मुझे पसंद नहीं था, इसलिए ही मैंने चीजें मेस्ड अप किया। गुस्से में आकर मैंने बहुत कुछ चीजें किया, पर अभी मैं वो सेम पर्सन नहीं हूँ जो पहले था। मैं डेकिला को खोना नहीं चाहता, सो डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी। अनिकेत का और एक मैसेज, नोबडी सॉ माई टीयर्स, नोबडी सॉ माई ब्रेकडाउन, बी ऑन माई शूज फॉर अ डे, यू विल रियलाइज हाउ टफ इट इज इट टू बी मी। और एक मैसेज, इमैच्योर पीपल विल नेवर अंडरस्टैंड मी, नॉर आई वाना मेक एवरीवन अंडरस्टैंड, नोबडी गिव्स अ हाउ ए गाय फील, ट्रस्ट मी किड्स आर गोना अंडरस्टैंड, बट व्हेन यू ग्रो अप, इफ यू आर समवन लाइक मी हु इज नो फ्रेंड सर्किल जस्ट वन फ्रेंड इन रियल लाइफ, व्हेन यू गो थ्रू अलोन यू विल रियलाइज टू बी अ मैन इज टफ। सो अनिकेत के इन मैसेजेस के बाद पता चल रहा था कि उन्हें ये हेट काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहे थे, बट अब तक ऐसा लग रहा था कि डेकिला और उनके बीच सब सही चल रहा है, क्योंकि दोनों ब्रॉडकास्ट में मस्ती मजाक करते हुए दिख रहे थे। अंटिल कुछ दिनों बाद डेकिला और अनिकेत ब्रॉडकास्ट में एक दूसरे को इनडायरेक्ट मैसेजेस करते हुए दिखे थे। सो सबसे पहले अनिकेत का मैसेज था, चीजें मेरे लिए इतना इजी नहीं था, मुझे ये पता है ये 7 महीना मैंने कैसे गुजारा, मैं एक एथलेट हुआ करता था बट मैं उस दौरान अल्कोहलिक बन गया था, ये चीज मेरे बेस्ट फ्रेंड को ही पता है और ये चीज कभी बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब आप टूट जाते हो तो क्या फील होता है, जब आप किसी के लाइफ की प्रायोरिटी बनना चाहते हो बट अकेले सफर करना पड़ता है। लोगों ने मुझे हमेशा मिसअंडरस्टैंड किया, बट जो हम अच्छा काम करते हैं उसके बारे में लोग कभी बात नहीं करते। देन अनिकेत ने डोम वाला अपना एक वीडियो डाला था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि ब्रेकअप के दौरान उन्होंने करने के लिए भी ट्राई किया था। ही ऑल्सो सेड इट्स हाई टाइम, लोगों को समझना चाहिए कि मुझे भी मेंटल पीस चाहिए, जो कि रिलेशनशिप से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर नहीं था इसलिए ही मैं चैलेंजेस में दिखता हूँ। फिर अनिकेत ने ये वीडियो और मैसेजेस कुछ टाइम बाद अनसेंड कर दिया। फिर डेकिला का भी ये रिप्लाई था, पीपल आर रियली अ मिस्ट्री, जब आप किसी को हर्ट करते हो तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वही इंसान आपके पास आकर आपके साथ रहे। दो लोगों के दो स्टोरीज रहता है, बट आप कैसे पोर्ट्रे करते हो वो मैटर करता है। मैं अपनी फैमिली की केयर करती हूँ, इसलिए डीपेस्ट स्टोरीज नहीं बताती। जब मैं अपने लोएस्ट में था, इवन मैंने भी कई चीजें किया था जो मुझे करना नहीं चाहिए था, और मैंने ये चीज कभी नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरे फैमिली को ये सब पता चले। सो इस मैसेज में डेकिला ने भी इनडायरेक्टली ये कहा है कि वो भी ब्रेकअप के टाइम में
करने का ट्राई किया था, बट वो पब्लिकली ऐसे नहीं बोलते हैं क्योंकि वो अपने फैमिली का केयर करते हैं। मैं भी देकिला के इसी मैसेज की वजह से ही अनिकेत ने अपना मैसेज अनसेंड कर दिया। देकिला का और एक मैसेज जो कि फ्रेंड्स को लेकर अनिकेत को रिप्लाई किया था, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं अपने दोस्तों को अपने प्रायोरिटी में रखती हूँ। वेल हाँ, मैं रखती हूँ क्योंकि बचपन से ही मैं घर से बाहर रही हूँ, तो फ्रेंड्स के साथ ही मैं पली बड़ी हूँ। वो लोग मेरे हाई और लो दोनों पॉइंट पर थे, तो मेरे लिए वो फ्रेंडशिप का स्टैंडर्ड ऊपर है। हाँ, ये सही है कि सारे फ्रेंड्स अच्छे नहीं होते, और तब मुझे रियलाइज होता है कि मैं खुद को और अपने फैमिली को ज्यादा केयर करूँ। मैंने इस फ्रेंडशिप टर्म में काफी कुछ चीजें फेस किया है, सो हाँ, मैं अभी भी कहती हूँ कि फ्रेंड्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सम फ्रेंड्स दे हैव नॉट लेट माई फ्रेंडशिप स्टैंडर्ड गो डाउन। सो देखिला और अनिकेत के इन इनडायरेक्ट मैसेजेस के बाद दोनों लाइव में भी आए हुए थे और वहाँ पर यही सेम चीज दोनों ने डिस्कस किया था। और लाइव के दौरान ऐसा लग रहा था कि अनिकेत और देकिला के बीच जो भी फाइट हुआ था वो सब ठीक हो गया था, बट उसके एक दिन बाद ही दोनों ने एक दूसरे को अगेन अनफॉलो कर दिया था और ब्रॉडकास्ट से भी हटा दिया था, विच मीन्स दोनों के बीच दोबारा ब्रेकअप हुआ था। ब्रेकअप के बाद अनिकेत का पहला रिएक्शन स्टोरी, ऑल आई नीड इज माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन ए बेटर वर्सन ऑफ माई सेल्फ, यू कैन थ्रो डर्ट ऑन माई नेम एज मच एज यू कैन, बट यू कैन स्टिल नॉट ब्रिंग मी डाउन। आई नो सम पीपल जस्ट टू मेक देम सेल्फ फील बेटर डू द अननेसेसरी स्टफ, सो पीपल हेट मी फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। बस अनिकेत ने ही नहीं, देकिला ने भी अपने ब्रेकअप के रिलेटेड ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज शेयर किया था। सो देकिला का मैसेज, व्हाई डू बॉयज हैव मोर मूड स्विंग्स देन गर्ल्स, यू गाइस वर आस्किंग मी व्हाई डिड वी अनफॉलो इच अदर राइट, सो लेट मी टेल यू आई एम सो डन विद दिस बिहेवियर ऑफ हिज, इवन दो आई लव हिम एंड टूक हिज स्टैंड, इवन व्हेन ही वाज रॉन्ग आई वाज देयर फॉर हिम, एंड दिस फॉलो एंड अनफॉलो थिंग इज हिज डेली रूटीन, ही ऑलवेज डज दैट, आई डोंट नो व्हाई, आई टोल्ड हिम बिफोर फॉलोइंग बैक दैट आई डोंट वांट दिस नॉनसेंस अगेन एंड आई फॉलो हिम बैक, बट सी ही डिड द सेम थिंग अगेन। अनिकेत लव दिस गेम ऑफ फॉलोइंग अनफॉलोइंग ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग, टेल हिम टू ग्रो अप एंड द मैच्योरिटी ही टॉक्स अबाउट, आस्क हिम व्हेयर इज इट नाउ, आई एम डोंट टेकिंग हिज स्टैंड गाइस, आई ऑलवेज वेक अप विद अ गुड मूड एंड ही ऑलवेज रूम्स इट बाय मैसेजिंग स्टूपिड थिंग्स अर्ली मॉर्निंग, जस्ट डन थिंग्स विद आर्गुमेंट्स, आई एम डन बीइंग कॉल्ड द डम वन, जस्ट टॉकिंग स्लो एंड साउंडिंग अट्रैक्टिव वोंट मेक समबडी राइट, जस्ट बिकॉज आई टॉक टू मच डज नॉट मीन आई एम द डोमिनेंट वन, इट्स ऑलवेज द अपोजिट एंड इट वॉज ऑलवेज द अपोजिट, आई डोंट वॉन्ट टू से मच थैंक यू। रिसेंटली अनिकेत ने एक कमेंट भी लाइक किया था जिसमें किसी ने ये कहा था कि देकिला ने एक लड़के के साथ टोरिश डाला था और ये वही लड़का है जिसे अनिकेत पसंद नहीं करते हैं और देकिला को उससे दूर जाने के लिए कहते हैं, और अनिकेत का इस कमेंट में लाइक करना मेक सेंस, शायद इसलिए ही उन्होंने देकिला को अनफॉलो किया। कमेंट सेक्शन में कुछ लोग अनिकेत को सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि ऑब्वियसली ही इज अ गाय, तो उन्हें नहीं पसंद आएगा कि देकिला दूसरे लड़कों के साथ हमेशा घूमती फिरती रहे। सो गाइस, यही था पूरा स्टोरी। आप लोगों को अनिकेत और देकिला के ब्रेकअप के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सी, इन दोनों का ये ब्रेकअप ज्यादा दिन तक नहीं होने वाला है क्योंकि सिवेट ने लाइव के दौरान ये हिंट दिया था कि दोनों हमेशा शो में लड़ते रहते थे। सो लड़ाई पैचअप इन दोनों का हमेशा से ही होता आ रहा है, इसलिए कुछ दिनों बाद दोनों के बीच सब ठीक भी हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू अनिकेत इंट्रोवर्ट है जबकि देकिला एक्सट्रोवर्ट है। देकिला को हमेशा दोस्तों के साथ घूमना फिरना पार्टी करना लाइफ एंजॉय करना ये सब पसंद है, जबकि अनिकेत उनसे काफी ऑपोजिट है और अनिकेत का कोई फ्रेंड सर्किल भी नहीं है, जिस वजह से दोनों के बीच हमेशा से फाइट हो रही है। अनिकेत को देकिला का मेल फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना बिल्कुल भी नहीं पसंद। 7 मंथ दोनों सेपरेट होकर भी अभी भी उन्हीं सेम चीजों की वजह से लड़ाई कर रहे हैं, और आप मानो या ना मानो दोनों एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। मेरे हिसाब से तो दोनों को कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए और उसी टाइम पीरियड के बीच में दोनों को हील होना चाहिए, क्योंकि दोनों को ही फिलहाल मेंटल पीस की जरूरत है। और ब्रेक के बाद दोनों को सोचना चाहिए कि ये रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू किया जाए या फिर नहीं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, साथ में मेरे इंस्टाग्राम चैनल